हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। और एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल के लिए इक्वल टू लगा के और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये आ जाता है। अब समस्या हमारे साथ ये होती है कि कभी कभी ये कॉलम हम छोटा ले लेते हैं, ठीक है। और ये छोटा जब लेंगे तो ये छिपता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर ये हैश साइन बन जाएगा। तो अभी आप क्या करते हैं, यहां से ड्रैग करके बड़ा करते हैं। और अगर आपके पास काफी बड़ा डाटा हो तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो कहीं पर भी बीच में क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए। और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद अल्ट एच ओ आई प्रेस कीजिए ताकि ये रिसाइज हो जाए, आपका पूरा जो कॉलम है वो रिसाइज हो जाए। इसके बाद आपको हाइट को बदलने के लिए अल्ट एच ओ एच प्रेस करना है। और जैसे ही प्रेस करते हैं अल्ट एच ओ एच, तो आप देखेंगे कि ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हाइट होती है एक सेल की, ठीक है, वो 15 होती है। और यहाँ पर इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा डेटा सिलेक्ट ही रखिए, यहाँ पर हम 24 कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यानी आपको सिर्फ शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है हाइट बढ़ाने के लिए। और अगर आप इस पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो अल्ट एच बी ए कर दीजिएगा, ऑल बॉर्डर लग जाएगा। तो ये वो तरीका है जिससे आप एक्सेल में आसानी के साथ काम कर पाएंगे, आसानी होगी आपको काम करने में, ठीक है।